सर कैसा था एक्सपीरियंस लष्टम पष्टम का आपका? सर ये दानव साहब के साथ काम करके बहुत मजा आया। सॉरी मेरा मतलब है कहने का मानव साहब से के साथ बड़े हसमुख बड़े प्यारे नौजवान और बड़ी मेरी मीठी यादें हैं इस फिल्म के बारे में। मेरा रोल बहुत उमदा है और बहुत रिलैक्स ढंग से काम हुआ, कोई अड़चने नहीं आई, स्मूथ। और डबिंग की है मैंने, बस इंतज़ार है कि पूरी फिल्म देखूं और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। माफ कीजिएगा खुद की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा सच है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ तो कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे सर? सर मैंने जैसे कहा कि बहुत ही उम्दा किरदार है, पाकिस्तानी ड्राइवर है, बुजुर्ग है और एक हिंदुस्तानी भटकता हुआ आ जाता है। इस्लामाबाद जाना है उसको और इस्लामाबाद जल रहा है, बम फट रहे हैं, तो वो तो मना कर देता है, सोया हुआ है टैक्सी में, टैक्सी वाला है और इतना डेस्परेट है वो कि बहुत ज़रूरी काम है ये। वो तो आँख खोलते हैं देखते हैं नौजवान का लग नहीं रहा वैसे, तो समझ गए कि ये हिंदुस्तानी है। उसके बावजूद वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए कि भाई और रिस्क है बहुत बड़ा उस तरफ जाना, रास्ते में रुकते हैं, उसे खाना वगैरह खिलवाते हैं, लेकिन उसको शक होने लगता है कि ये कहीं अजीब आदमी कुछ हरकत ना करे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। But eventually he is so grateful to that man. He opens his eyes. मतलब एक रिश्तों को लेके भी और बड़े जज्बाती उनका मिलन और रुखसत दोनों। Beautifully sir. Sir इस फिल्म से क्या मैसेज देना चाह रहा था अपने कैरेक्टर से किरदार से? मैं अपने किरदार से तो ये मैसेज, मेरा किरदार ये मैसेज दे रहा है जिसे आपने मतलब मानव ने लिखा है और उसे फिल्माया है कि भाई ये जो नफरतें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, इसकी कोई जड़ नहीं है, ज़बरदस्ती ये जड़ लगाई गई है और हम सब इंसान हैं और हम सब सदियों से इकट्ठे रहे हैं। मुग़ल सल्तनत यहाँ ऑलमोस्ट 600 साल यहाँ रही है और आज़ादी के पहले तक हम इकट्ठे ही थे, हमने एक दूसरे की तहजीब से सीखा है और एक दूसरे के मज़हब की इज्जत की है। हाँ नाइतफाकियाँ कुछ हो जाती हैं लेकिन वो तो जैसा उसमें डायलॉग्स में आता है कि वो तो घर में भी हो जाती है, हिंदू भाई में भी हो जाती है, रिश्तेदारों में हो जाती है, लेकिन ये जो और दूसरे एक लाइन वो कहता है कि मालूम है मेरे अब्बा आपके लखनऊ में दफन है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाकर सजदे में बैठूं, तो ये तो सच्चाई है यार। मैं पाकिस्तान गया हूँ 6 बार तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमारे अब्बा पटना में दफन है, हमारे लखनऊ में दफन है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजडी दुनिया की कि इतने कम वक्फे में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब जुदा भी हुए लोग तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई ठीक है जुदा हो जाते हैं तो एक भाई इधर रह गया एक उधर चला गया, क्योंकि इधर वाले भाई के पास शायद बहुत सारी जमीन थी या नो बंगले थे या जो भी है, तो कि भाई मैं क्यों जाऊं जबकि मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, ये है वो भी है। और भाइयों ने सोचा कि ठीक है यार मैं लाहौर में हूँ, पापा पटना में है, तो क्या हुआ फ्लाइट पकड़ी दिल्ली आए, दिल्ली से पटना चले। किसी ने ये नहीं सोचा था इंडिया ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाएंगे। क्या तो, ये बंटवारा जो है ये सिर्फ जमीन और दौलत का नहीं था, ये जज्बातों का बंटवारा था और ये रिश्तों का बंटवारा था। तो बड़ी तकलीफ दे बात है और बस मैं दुआ करता हूँ कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज हो, लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हमें थोड़ी इससे नसीहत मिले।
और लोगों को बदकिस्मती से बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई देखो, लेट्स लिव एज ब्रदर्स, क्योंकि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पार्टीशन, बहुत बड़ी दी माशाल्लाह, ब्यूटीफुली सर। सर एक छोटे से सवाल दे दो, और एक नई टीम के साथ काम करना कैसा लगा आपको सर? बिल्कुल नई टीम थी, नया डायरेक्टर, मुझे तो मालूम नहीं था ये नई टीम, मुझे पता होता तो मैं करता ही नहीं। वेल सर, हां मुझे दिख रहा है कि नई टीम है ये, पढ़ लिख के आया, वो सीख सिखा के आया, ऐसे थोड़ी उठा के कैमरा पकड़ा और चल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई एडवाइस नए फिल्म मेकर्स के लिए क्या कर सकते हैं? इस इंडस्ट्री में कट करना बहुत मुश्किल है, तो एनी एडवाइस? देखिए, छोटी फिल्म के लिए दिक्कतें ज्यादा हैं, क्योंकि आजकल जो वक्त है वो ये है कि छोटी फिल्म के लिए जिस तरह की पब्लिसिटी का उसूल बन गया है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरी लोगों से गुजारिश है, अगर वो इसको देख रहे होंगे या मीडिया में कहीं भी आएगा, कि भाई ये छोटी फिल्में भी अगर अखबार में पढ़ लेते हैं तो देख लें, क्योंकि इस तरह की फिल्में ना तो 3 महीने पहले से वो शोर मचाना शुरू कर सकती हैं, आए चंपक जमा रहा है, लग चंपक जमा रहा है जी, ना बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं, ना टीवी पे बहुत सारी एड्स दे सकते हैं। जो कि अब चलन ये है कि जो बड़ी फिल्में हैं, जो बड़े स्टार्स हैं उनकी बड़ी फिल्में हैं, एक तो ये कि 5,000-6,000 थिएटर्स में रिलीज करते हैं एक साथ, क्योंकि देखिए ऑल सेट एंड डन कितनी भी अच्छी फिल्म बनी हो थोड़ी इनसिक्योरिटी तो रहती है हर प्रोड्यूसर को कि यार कहीं ऐसा ना हो, है ना। तो क्योंकि इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है उसी, इतना शोर मच चुका है, तो पहले 3-4 दिन तो हाउसफुल जाएगा ही जाएगा, तो उसके बाद जो आएगा वो तो मलाई है, माल तो आ गया है ना, वो तो एक्स्ट्रा है, सही बात है ना। अगर वो फिल्म चल गई है और अगर वो फिल्म ना भी पसंद आई लोगों को, तो कम से कम जो खर्चा किया वो पैसा आ जाता है, जो कि छोटी फिल्म के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो छोटी फिल्म को थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह से वो लोगों तक ये पहुंचाए कि भाई प्लीज ये फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म है। और लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि भाई अच्छी फिल्में बनाना बंद मत करिएगा, ऐसा नहीं कि बाकी लोग यू नो स्टार भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि आपकी जो फिल्म है वो जादू नहीं दिखा रही, वो सच्चाई को बयान करती है, सच्चाई। हाँ, और जादू से मेरा मतलब है कि भाई जिस तरह की टेकिंग, या आप एक आदमी 10 लोगों को मार रहा है, वो कैमरा पे तो मार सकता है, सड़क पे मार के दिखा है तो जाने, तो वो हुआ हीरोइज्म से ही, है ना, सही बात है। लेकिन लोगों को मजा आता है। चलिए सर, उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म से भी मजा आए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू वेरी मच सर, यू हैव बीन एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पर्सन टू वर्क विद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कैमरा पे कहिएगा मेरे सामने मेरे जाने के बाद साथ में दूंगा। सर एक चीज खाली प्लीज बोलिए, लश्तम पश्तम गाइस गो वॉच इट, लश्तम पश्तम गाइस गो वॉच इट। एक मेरे साथ, मैं सर के साथ बैठूंगा, सर हम ये साथ में बोलेंगे।